मिलिट्री फोर्स आपको अन्य देश या आतंकवादियों के किसी भी संभावित हमले से बचाता है। सीमाओं की रक्षा के लिए एक कुशल सशस्त्र बल बहुत आवश्यक है। तकनीकी रूप से प्रत्येक देश की एक स्थायी सेना होना चाहिए, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी देश है जो मानते हैं कि युद्ध नरक है और इसलिए वे अपने देश में किसी भी मिलिट्री फोर्सेस को नहीं रखते हैं। दोस्तों, आज उसी 10 देश के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जिसके पास कोई मिलिट्री फोर्सेस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, समोआ। आज समोआ में कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं है जो कि अगर आवश्यकता हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बजाय देश को युद्ध के समय सुरक्षा और बचाव के लिए अन्य देशों के साथ दोस्ती पर भरोसा करना होगा। देश में समोआ पुलिस फोर्सेस है, लेकिन ये पूरे देश के लिए निश्चित रूप से एक मिलिट्री फोर्सेस नहीं माना जाता है। नंबर 9, पलाऊ। एक नेशनल मिलिट्री फोर्स की कमी के बावजूद पलाऊ में एक पलाऊ नेशनल पुलिस सेक्शन है जो नागरिकों के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ज्यादातर पुलिस फोर्स की तरह शांति बनाए रखने के लिए पलाऊ नेशनल पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है, और जो आंतरिक अशांति के लिए किया जा सके। यदि युद्ध कभी हुआ तो पलाऊ को अन्य देशों से सहायता के लिए कुछ प्रकार की रक्षा प्रणाली प्रदान करना होगा। नंबर 8, मार्शल आइलैंड। 1983 की फ्री एसोसिएशन के कॉम्पैक्ट के तहत मार्शल द्वीप को एक सोवरियन नेशन का दर्जा दिया गया था। समझौते में शामिल संघीय राज्यों माइक्रोनेशिया और पलाऊ भी है। इस समझौते के तहत 3 देश फ्री होंगे, लेकिन अमेरिका को जुड़े राज्यों के रूप में खड़े होंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका संरक्षक के तौर पर काम करेगा और मार्शल द्वीप के पास कोई रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस नहीं होगा या युद्ध के दौरान देश के रक्षा के लिए किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगा। देश के भीतर कॉमन पुलिस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मार्शल आइलैंड पुलिस की स्थापना की। नंबर 7, नाउरू। दुनिया में सबसे छोटा द्वीप देश के रूप में जाने वाला नाउरू केवल 8.1 वर्ग मील में निश्चित रूप से अनोखा है। हालांकि किसी भी स्थायी सेना या किसी अन्य प्रकार की मिलिट्री फोर्सेस का कोई सेट नहीं है, यहाँ तक कि पूंजी भी नहीं है। देश संभवतः उसके आकार के कारण बहुत छोटा है। देश में एक नाउरू पुलिस फोर्सेस है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि देश स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। माइक्रोनेशिया नामक हजारों छोटे द्वीप के एक समूह में स्थित इस देश पर आसानी से सुलभ फॉस्फेट के लिए भरोसा किया जाता है। आज देश पास के ऑस्ट्रेलिया और अन्य माइक्रोनेशिया द्वीपों के साथ संपर्क रखता है। नंबर 6, कोस्टारिका। 1948 में सिविल वॉर में अपनी जीत के बाद देश ने किसी भी सशस्त्र बल को समाप्त करने का मौका दिया। हर साल कोस्टारिका 1 दिसंबर को आर्मी एबोल्यूशन डे मनाता है। पुलिस फोर्स वर्तमान में देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालती है। नंबर 5, ग्रेनेडा। 1983 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा देश पर आक्रमण किया गया था, और उसके बाद से ग्रेनेडा की सेवा में एक स्थायी सेना नहीं है। रॉयल ग्रेनेडा पुलिस फोर्स के हिस्से के रूप में एक पैरामिलिट्री फोर्स आंतरिक सुरक्षा पर काम करता है। नंबर 4, किरीबाटी। द्वीपों की 3 समूहों में किरीबाटी एक देश है जिसमें कोई स्थायी सेना नहीं है। राष्ट्र की अपनी किरीबाटी पुलिस सर्विस के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रक्षा सहायता है। नंबर 3, एंडोरा। एक अलग मिलिट्री के तहत एंडोरा को स्पेन और फ्रांस से सुरक्षा मिलती है, लेकिन इसमें कोई स्थायी मिलिट्री फोर्स नहीं है। एंडोरा के विशेष समारोह के लिए एक छोटी सी सेना है। राष्ट्र में कानून नेशनल पुलिस क्रॉप्स द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नंबर 2, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में पोप और देश की रक्षा के लिए कई सशस्त्र बलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन पोप पॉल VI ने 1970 में सभी बलों को खत्म कर दिया था। हालांकि देश रोम में स्थित है, इटली वेटिकन सिटी की सुरक्षा करता है। नंबर 1, आइसलैंड। आइसलैंड के पास 1869 में एक सेना थी। उसके बाद देश ने 1951 से 2006 तक आइसलैंड डिफेंस फोर्स को बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया था। 2006 में अमेरिका ने घोषणा की कि वो आइसलैंड को देश में किसी भी तैनात बलों के बिना अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा।